और अब खबर भोपाल से है, जहां कोलार रोड के पास दुर्गा नगर में एक बच्चे का गन्ने की मशीन में हाथ आने से उंगलियां कट गई। 13 साल का बच्चा गन्ने का रस बेचने वाली दुकान पर बाल मजदूरी कर रहा था। बच्चे की 2 उंगलियां कटकर अलग हो चुकी हैं, जबकि 1 उंगली बुरी तरह को चल गई है। वह एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है। उंगली अगर नीली नहीं पड़ती तो 3 दिन बाद ऑपरेशन होगा। कोलार रोड दुर्गा नगर चौराहे पर शुभम जायसवाल की गन्ने की रस की दुकान है। इसी साल मार्च में बच्चे ने काम पर जाना शुरू किया था। शनिवार रात जब उसने मशीन चलाई तो दुकान मालिक का ध्यान कहीं और था। बच्चे ने जैसे ही गन्ना मशीन में घुमाई, उसका बायां हाथ भी गन्ने के साथ अंदर चला गया। वहीं परिवार ने बताया कि बच्चे के हाथ की ड्रेसिंग कर दी गई है। उसे ये नहीं पता कि चोट कितनी गंभीर है। अस्पताल लाते समय उसके हाथ को कपड़े से दबाकर रखा था ताकि वो अपना हाथ देखकर उसे सदमा ना लगे। वहीं बच्चे को इस दर्द से इस बात का ज्यादा डर है कि ठीक होकर जब वह घर लौटेगा तो उसकी माँ उसे डांटेगी, क्योंकि माँ ने उसे काम करने से मना किया था। वहीं माँ से बातचीत करने के दौरान मालूम हुआ कि बच्चा 8वीं कक्षा में पढ़ता है। 3 महीने पहले ही हार्ट अटैक से पिता की निधन होने के कारण माँ घरों में काम करती हैं। 15 साल का बड़ा भाई रिश्तेदारी में महाराष्ट्र गया हुआ है। वहीं गन्ने की दुकान का मालिक शुभम बच्चे का पड़ोसी है। शुभम 12वीं तक पढ़ा है। बच्चा उसके साथ दुकान जाने लगा तो उसने उसे भी 150 रुपये हर दिन के हिसाब से काम पर रख लिया।